एक अरबी को कहा गया कि तुम मर जाओगे। उसने कहा, फिर कहाँ जाएंगे? कहा गया कि अल्लाह के पास। अरबी कहने लगा, आज तक जो खैर भी पाई है अल्लाह के यहाँ से पाई है, फिर उससे मुलाकात से क्या डरना? किस कदर बेहतरीन उसने जान है अपने अल्लाह से। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी दुआ कबूल की जाती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं, मगर मैं उसको जानता हूँ जो दुआएं कबूल करता है। क्या ही बेहतरीन हुस्ने ज़न है अल्लाह से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बदू ने पूछा कि हिसाब कौन लेगा? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह, रब्बे काबा की कसम, फिर तो हम निजात पा गए। बदू ने खुशी से कहा, क्या ही बेहतरीन हुस्ने ज़न है अपने रब से। एक नौजवान का आखिरी वक्त आया तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने माँ का हाथ पकड़ कर सवाल किया कि अम्मी जान, अगर मेरा हिसाब आपके हवाले कर दिया जाए तो आप मेरे साथ क्या करेंगी? माँ ने कहा, मैं तुझ पर रहम करते हुए माफ़ कर दूँगी। अम्मा जान, अल्लाह पाक आपसे बढ़कर रहीम है, फिर उसके पास भेजते हुए ये रोना कैसा? क्या ही बेहतरीन गुमान है अपने रब के बारे में। अल्लाह पाक ने हशर की मंजरकशी करते हुए फरमाया, वखाशातिल अस्वातुलिर्रहमान, और उस दिन आवाज़ें दब जाएंगी रहमान के सामने। उस हशर की घड़ी में भी ये नहीं फरमाया कि जब्बार के सामने, बल्कि अपनी सिफ्त रहमत का आसरा दिया है, या अल्लाह हमें दुनिया, कब्र, हशर, आखरत में हमेशा अपने फजल व करम के साए में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।